नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बावन, आर्टिकल 52 से लेकर आपको पता है स्टार्ट होता है भारत के राष्ट्रपति का। तो यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति जो आपका पहले नंबर पे हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 के तहत। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति जो है, जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होती है वो आपके भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। एक मिनट। तो दूसरे आपको बताया कि 53 में कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 54 की बात करें तो इसमें आपको बताया गया है कि निर्वाचन किस किस माध्यम से होता है। तो आपको पता है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के और राज्य लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, और साथ में सभी राज्यों के जो एमएलए होते हैं, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभाओं के जो मेंबर होते हैं वो आपके निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला है प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, जो आर्टिकल 55 में बताया गया है प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन की, किस तरह से राष्ट्रपति पद का चयन किया जाएगा और किस किस तरी कौन कौन से तरीका कौन सा तरीका होगा जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को चुना जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 56 में उसके टेन्यूर की बात की गई है। टेन्यूर में बोले तो कि उसका 5 साल का 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है, तो इसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 57 में बताया गया है कि री इलेक्ट यानी दोबारा निर्वाचन राष्ट्रपति का हो किया जा सकता है, उसके लिए क्या तरीका होगा। तो आर्टिकल 57 में इसका वर्णन किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, तो 57 के तहत वो बार बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने जा सकते हैं। और राष्ट्रपति पद राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्या शर्तें होती हैं, तो उसका 58 में वर्णन किया गया है। अगला है 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता क्या क्या होगी। 58 में एलिजिबिलिटी का दिया गया है और उसके पद के लिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। जैसे भारत के राष्ट्रपति पद के बनने के लिए भारत का नागरिक हो, दिवालिया या पागल ना हो, तो वो सारी कंडीशंस आपकी 59 में दी गई हैं। आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में दिया गया है और शपथ इसका कौन दिलाता है राष्ट्रपति का, तो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। और आर्टिकल 61 में आपके इम्पीचमेंट के बारे में बोला गया है, और इम्पीचमेंट लगाने का केवल एक ही माध्यम होता है कि वो संविधान का यानी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करे। और इम्पीचमेंट लाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के 1/4 मेंबर का सिग्नेचर होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।